हेलो हेलो। हेलो, तब पकड़ो यार। हाँ पहला जीत होनी चाहिए बस, ये नहीं दौरे पे निश्चित। आज हम गुड मॉर्निंग सोंदो सर, में। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड एक बार मॉर्निंग, फिर से गुड सोंदो मॉर्निंग, दौरे गुड पे। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रुको मैं छे यार, से वीडियो कह रहे हाथ। क्षेत्र में और चार लैंसमैनों का इशारा और चार डिफेंडिंग मैदान में खेला और काफी सम्मानजनक जीत को सम्मानजन से खेला और ओवर में अगली बार मिशेल बेस तो हल्के हल्के कदमों से पोते माइसरी हैं से हल्के कदमों से बहुत पार किया और काफी सी गेंद और जिता है गेंद साजी का इशारा और करते हुए हल्के कदमों से मिशेल देवेंद्र के लिए पटकी हुई गेंद और वाइड गेंद और एक रन अलग बाई का एक रन लिया मिस्टर देवेंद्र का राइट हैंड बल्लेबाज मिस्टर उमेश के लिए मिस्टर उमेश का सामना करेंगे मिस्टर राहुल और मिस्टर राहुल तैयार मिस्टर उमेश तैयार मिस्टर अंताजी को पार किया और काफी अच्छी गेंद और डिफेंस खेला ओवर वाली बार मिशेल उमेश हल्के कदम से बॉल को पार किया और फिर टॉस गेंद और फिर टॉस बनाया गेंद को और कोई गेंद कोई रन नहीं कोई खतरा नहीं और हल्के हल्के कदम से पर साजू को अंपायर को पार किया और काफी सी गेंद समझ नहीं पाए मिस्टर राहुल समझा कि वाइड जाएगी पर पैड में जा लगी गेंद समझ नहीं पाए गेंद को काफी अच्छी गेंद कही जा सकती है इस बार काफी की फाइट ओवर करते हुए मिस्टर उमेश तो ओवर में अगली बार मिस्टर उमेश तो काफी हल्के हल्के रन अप से अंपायर को पार किया और काफी अच्छी गेंद कही जा सकती है मिस्टर उमेश के द्वारा चमकते सितारे मिस्टर संदीप और काफी अनुभवी अंपायर हमारे मिस्टर विजय सा और मिस्टर रोहित सा तो मिस्टर हल्के हल्के लाइव नहीं चलने वीडियो बनाने तो यूट्यूब पर चलने ना तो काफी जीते समझ नहीं पाए मिस्टर देवेंद्र काफी जाना मेरा नाम मिस्टर राहुल ओवर में अगली बार काफी छोटे रन लेके आपको हल्के कदम से पर पार किया काफी जी गेंद का डबल किया उठा दिया है गेंद को हिट किया गेंद को फील्डर मौजूद खतर पूरा खतरा बनता था कैच का पर ओवर में अगली बार मिस्टर अंपायर को पार किया और काफी जी गेंद भेज दिया है गेंद को लेफ्ट साइड के क्षेत्र में और ओवर लिया राहुल ने मिस्टर देवेंद्र को तो काफी अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है इस बार तो काफी साफ क्रिकेट देखने को मिल रहा है कोटे माथुरी पावन ग्राउंड में और उधर में अगली बार मिस्टर देवेंद्र तैयार हल्के कदम से मिस्टर संदीप अगर को पार किया और काफी अच्छी गेंद और थर्ड मैन के क्षेत्र में गई गेंद कीपर छूटे और थर्ड मैन की काफी अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है 400 क्लब सोनू के ग्राउंड में ठंड भी काफी बढ़ती हुई ओवर में अगली बार मिस्टर संदीप और काफी रिकॉर्ड लगाया और तलवार के क्षेत्र में और चार रन तो राहुल के बल्ले से निकलने वाले पहला चौका बार में बैठा तो कृपया बंद लाइन के बाहर ले जाए और ओवर में अगली बार काफी जीतें कई बार किया है उमेश
देवेंद्र समझ नहीं पाए गेंद को, तो काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है और अगली बार काफी हल कर पार को पार किया और काफी गेंद और गेंद गई ऑफसाइड के क्षेत्र में, एक रन लिया और दूसरा रन भी लिया और फील्डर दो रन, काफी अच्छी गेंद और पिता है गेंद और उधर बार देवेंद्र के लिए और कल के खत्म से अंपायर को पार किया और काफी शॉट लगा लेफ्ट साइड के क्षेत्र में और एक रन लिया, दूसरा रन भी लिया और दो रन लिए और जहाँ पे चार रन होने चाहिए थे वहां पे दो रन दिए, तो काफी अच्छी फील्डिंग की जा सकती है। तो ओवर में अगली बार मिस्टर रमेश हल्के हल्के खत्म नंबर को पार गया और काफी अच्छी गेंद कही जा सकती है मिस्टर रमेश के द्वारा, तो काफी किफायत ओवर करते हैं कर रहे हैं अभी भी मिस्टर रमेश। तो ओवर में अगली बार हल्के खत्म नंबर को पार गया और काफी रिकॉर्ड लगा है थर्ड मैन के क्षेत्र में और चार रन लाइन्स मैनों का सारा चार रन और ओवर का पास। तो एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हो और वाइड गेंद लगवा के रूप में और वाइड गेंद रेडी दोनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 38 रन, काफी अच्छा रिलीज स्कोर इनका। तो मैं 84 की भी बात करूं तो 84 में भी काफी अच्छे गेंदबाज और मतलब बल्लेबाजी काफी अच्छे तरीके से हुए हुए इनके, काफी अनुशासन तरीके से बल्लेबाजी और ठंड भी बढ़ती हुई। तो ये गेंदबाज अपनी दिशा से भटका और एक वाइड गेंद। तो अगर मैं चौमासी की बात करूं तो चौमासी में भी काफी अच्छे बल्लेबाज और एक बार गेंदबाज तैयार अंपायर को तैयार करते हुए सामने बल्लेबाज तैयार और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है तब तक दोनों भी गेंदबाज सारी बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। तो वाइट रन एक वाइट रन, तो ये गेंदबाज झोली में जुड़ा रहा है चलते अतिरिक्त रन पर रोक लगानी होगी और काफी अच्छी गेंद यहाँ पे कही जा सकती है, गेंदबॉल काफी अच्छी शॉट वहां पे बल्लेबाज ने लगाई है। तो इस ग्राउंड में दर्शकों की काफी ज्यादा भीड़, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों का और दर्शकों का और खेलने का प्रयास और जो टकराई बैटर से ज्यादा थर्ड ओवर की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है तब तक दोनों चौथे ओवर अभी भी गोल किया जा रहा है और शांत क्रिकेट चलते क्योंकि उनको क्रिकेट का शरीर स्फूर्ति से जोश से भरा हुआ शरीर भुवनेश्वर भाटी के सजे हुए खिलाड़ी राउरला के सभी खिलाड़ी काफी काफी अच्छी शांत क्रिकेट चलती हुई और मैच में हल्की शुरू होकर तो मुझे कहना है मैं सर धोनी से कि वो उनको कृपया पिच के बाहर ले जाए, कहीं ना कहीं उनको चोट लग सकती है और आपको भी चोट आ सकती है क्योंकि अभी आपको पता क्रीज पर आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेल रहे हैं। संदीप तैयार और देवेंद्र भी तैयार खेलने का प्रयास, मगर कोई भी गेंद और बल्ले का शॉट बल्लेबाजी जो करता है उसकी बल्लेबाज के लिए हल्की सी गेंदबाजी का हाथ होता बन जाता है और चार ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर जा पहुंचा 34। तो ब्रजेश भाई काफी लंबा रनअप लेते हुए ब्रजेश भाई, तो देखना होगा ब्रजेश भाई अपनी टीम को कितने हासिलता प्राप्त करा सकते हैं। तो गेंदबाज काफी अच्छे और मैंने कहा था ब्रजेश भाई की मैं बात करो तो काफी अच्छा काफी लंबा रन फिर का है, मैंने कहा था कि सफलता तो मैंने कहा था कि रायना के टीम की बात करूँ मैं तो इन्होंने एमसीसी में देखा हुआ होगा, तो मधुरेश्वर घाटी से बिलोंग करते
संजय भाई राइट हैंड बल्लेबाज और दिलजीत भाई भी फिर एक बार तैयार अंपायर को पार किया और संजय भाई तैयार और फ्रंट फिर गए तो शॉट मारा और सीधा जोन के क्षेत्र में और सीधा सिक्स तो ब्रजेश भाई आए सीधा अपना बल्ले से का लंब ब्रजेश तैयार हो गया संजय भी तैयार तो ब्रजेश भाई हल्का जो कदमों से अंपायर को पार किया आगे सामने तैयार संजय भाई और फील्डर्स टीम को ना सामने नीचे फील्डर मौजूद और मारने का पूरा प्रयास मगर फील्डर अपना पूरा निशाना न लगा सका और इसी दूर में कुछ चौदह टीम का स्कोर जा पहुंचा 42 रन तो संजय भाई फ्रंट पर आके काफी जबरदस्त शॉट दिखा रहे हैं और गुरजीत भाई भी तैयार और फिर खेलने का प्रयास मगर कोई भी बल्ले और बॉल का संपर्क नहीं और दोनों और वाइड गेंद तो गुरजीत भाई काफी सजे हुए गेंदबाज और खेल गया है यहाँ पे संजय भाई ने इस गेंद को और सामने फील्डर मौजूद और काफी अच्छी फील्ड कही जा सकती है और एक रन चौमासी की बात करो तो अगर अपनी झोली में इनको ये मैच ले जाना है तो इनको बाउंड्रिया दिखानी होगी बाद बाउंड्रिया एक ओवर में दिखानी होगी और यहाँ पे काफी अच्छी फील्ड कही जा सकती है काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर ब्रजेश गेंद को जितना लंबा खिलाड़ी होगा तो उतना ही उसका लंबा रन अप भी होगा और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार और काफी अच्छी गेंदबाजी ब्रजेश के द्वारा और 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर जा पहुंचा दीपक भाई तो दीपक तैयार और संजय भाई भी तैयार और राउटाम स्ट्रॉन्ग ओवर द विकेट और संजय भाई भी तैयार और खेल गए गेंद को काफी अच्छे शॉट कैच आउट का खतरा हो सकता था वहां पे मगर फील्डर के हाथों में चोट आती हुई और फील्डर ने गेंद को जाने दिया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फिर से एक बार क्रीज पर मौजूद था अभी भी और काफी राइट गेंद दिशाहीन गेंदबाजी तो मैंने कहा है कि अगर राउंड ले तो ये अपनी झोली में ये मैच अगर ले जाना है तो इनको अतिरिक्त रनों पे रोक लगानी होगी और दीपक तैयार सामने बल्लेबाज भी तैयार और सीधा जब टकराई गेंद बैटों से तो काफी अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है मर्तबा तो इस बार इस गेंदबाज का काफी लंबा रन अप है दीपक भाई का और मैंने कहा था कि जितना लंबा खिलाड़ी होगा उतना ही इसका लंबा रन अप भी होगा तो बार बार इनको ये बैठक पे गेंद को डाल रहे बीच पहुंच चुका है लवली भाई तो इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हमारी कमेटी की ओर से एक बार गेंदबाज तैयार फिर काफी लंबा रन अप गेंदबाज का और खेल जाए शॉट को काफी अच्छी शॉट कही जा सकती है नीचे कोई भी फील्डर मौजूद न होने के कारण काफी ऊंची शॉट थी कैच आउट हो सकता था मगर यहाँ पे काफी जबरदस्त और थे विक्की जो कि इस समय हमें कमेंट्री सुना रहे थे और बॉलर्स ने प्लीज सचिन ब्रजेश तो ब्रजेश के सामने पहली बार होंगे संजय और यह मैच चलता हुआ चौमासी और राव के बीच दोनों टीम इस क्षेत्र के जाने माने दोनों टीमें तो ब्रजेश धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किया अंपायर को पार किया अच्छे शॉट वहां पे और कैच का खतरा निश्चित रूप से वहां पे सतीश के द्वारा शानदार कैच पकड़ते हुए मिस्टर सतीश तो ब्रजेश काफी लंबे चौड़े कट के खिलाड़ी उनके सामने बैट्समैन वही लंबे चौड़े कट के खिलाड़ी अब पक्की हुई गेंद उड़ाना चाहते उस गेंद को लेकिन चूक गेंद अगर निश्चित रूप से बल्ला टच होता तो निश्चित ही छक्का के रूप में इस समय होता लेकिन थोड़ा मिस कर रहे थे बैट्समैन चूक गए देवेंद्र
चुक चुके इस समय, नहीं तो निश्चित रूप से छक्का हो सका। फिर पूरा दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर वही गेंद, थोड़ी पटकी हुई गेंद जरूर थी लेकिन और अंपायर का सारा वायद, इसे वायद के साथ लंबे चौड़े कटके हैं और लंबे लंबे छक्के मारते हैं। वही पोनर की बात करो तो अभी अभी शुरू में सेमीफाइनल प्रवेश में भाग जरूर हुए राव की टीम, लेकिन और अंपायर का सारा वायद, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद, खेल इस गेंद को, फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए एक रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। तो अभी भी इस एक रन के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ 53 रन 54 रन 2 विकेट, तो जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ इस समय कोटा के ठीक ऊपर सोलदू गांव में हम इस समय आनंद लेते हुए। तो बैट्समैन तैयार, हुई ब्रिजेश तैयार, अच्छी गेंद और अंपायर का सारा और वाइट, अच्छी गेंद जरूर थी लेकिन थोड़ा दिशा से भटकते हुए समय गेंदबाज हुए हैं जर्सी है, अच्छी गेंद पुनः और अंपायर का सारा वाइट, पुनः थोड़ा दिशा से भटकते हुए मिस्टर ब्रिजेश, तो ब्रिजेश धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी भी गया, इस गेंद को खेल दिया है फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे एक रन से संतुष्ट होने बल्लेबाज, इस एक रन के साथ टीम का स्कोर भी अटका हुआ है अभी 57 रन 100 2 विकेट। चौमासी और राव के बीच मुकाबला चलता हुआ लेकिन ग्रफ से टपकते हुए नीचे जमीन को छू गई गेंद, तो बिल्कुल छा रही यही गेंद है मिस्टर ब्रिजेश को रखने होंगे। तो ब्रिजेश तैयार, वही देवेंद्र तैयार, तो ब्रिजेश अच्छी गेंद, बिल्कुल डिफेंस अंदाज में खेल रहे देवेंद्र, जानते हैं इस समय बिल्कुल जमीन को चाहती हुई गेंद है मिस्टर ब्रिजेश फेंक रहे और ओवर की समाप्ति पे, तो 7 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर अभी भी 57 रन 100 2 विकेट। काफी गति फेंक रहे हैं, काफी तेज की गति फेंक रहे हैं यहाँ पे, लगभग 125 135 का लगभग गेंद यहाँ पर फेंक रहे दीपक, अच्छी गेंद बिल्कुल समझ नहीं पाए मिस्टर, अच्छा छोड़ वहां पर लेकिन तब तक पहुंच चुके थे वहां पे विकेट कीपर से थोड़ा मिस होते हुए। तो दीपक की बात करूं तो पोनर में जबरदस्त गेंद की थी, तो उसी तरह के अंदाज में यहाँ पे दिख रहे हैं दीपक, व्हाइट ड्रेस पहन चुके हैं दीपक और उनके सामने होंगे पहली बार देवेंद्र, तो अच्छी गेंद दीपक के द्वारा, दीपक तैयार, वही देवेंद्र तैयार, अच्छी गेंद, अंतिम बोल, मैं कह रहा था कि निश्चित रूप से पा रहा था मिस कर गए लेकिन, तो विकेट कीपर तैयार, वही तैयार दीपक धीरे धीरे दौड़ा प्रारंभ करते हुए और अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट वहां पे पवन के द्वारा, इस एक रन के साथ अपना खाता खोला और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजी संतुष्ट, अच्छा शॉट वहां पर पवन के द्वारा। तो यहाँ पे छक्के और चौके की जरूरत जरूर चौमासी गांव को चाहिए ताकि काफी बड़ा स्कोर यहाँ पे लगभग होना चाहिए, अच्छा शॉट वहां पे और फील्डर गेंद के नीचे कैच का खतरा हो सकता है या नहीं लेकिन मिस कर बैठे वहां पे फील्डर और गेंद जा रही सीमा बाउंड्री के तरफ, अंपायर का सा 4 रन या 53 चौका, तो पहला चौका लगता हुआ मिस्टर और तैयार दीपक तैयार, वही कैलाश तैयार, अच्छा शॉट वहां पे कैलाश के द्वारा, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन दोनों बल्लेबाज संतुष्ट, इस एक रन के साथ दोनों संतुष्ट, अच्छी गेंद पुनः दीपक के द्वारा। तो 8 ओवर की समाप्ति पे आगे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यही छोटी छोटी सीढ़ियां हमें सिखाती हैं, आज छोटा सा मंच है, कल हम बड़ा मंच पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो आगे का हाल मेरा साथी दिव्यांशु छोटा सा मुन्ना बच्चा, धन्यवाद बड़े भाई पवन पवन, अगली बार बोलो बोलो अपने टीम मोहित, तो कभी क्या नाम है नाम मिस्टर मोहित, तो मिस्टर कैलाश के लिए मिस्टर कैलाश तैयार, तो काफी नंबर आप लोगे कोटे मार के हैंड जाल के कल कदम जाने पर बस पार किया और गेंद और वाइट गेंद
बल्लेबाजी का सारा वाइड गेंद तो काफी लंबे चौड़े कट के खिलाड़ी मिस्टर मोहित और स्ट्राइक पे है मिस्टर कैलाश का भी जाना माना नाम खौफनाक बल्लेबाज बार को पार किया और फिर गेंद और उठा दिया है गेंद को लोबान के क्षेत्र में और दो रन अपना डिसीजन दो रन तो अगली बार मिस्टर मोहित तैयार हल्के कदमों से अंदर को पार किया तो काफी सी गेंद और कीपर छूटे थर्ड मैन तो हल्के हल्के कदमों से अंदर को पार किया अंदर को पार किया और मिस्टर कैलाश और काफी सी गेंद और फील्ड आउट तो मिस्टर कैलाश जो कि हावी हो रहे थे राहुल की टीम पे तो मिस्टर मोहित ने एक रन लिया तो कोटे का अंतिम और पारी का भी अंतिम ओवर लेके आए हैं मिस्टर संदीप काफी गेंद फ्लोर गेंद और वाइड गेंद दिशाहीन गेंद तो मिस्टर काफी छोटा रन आप देखे इस बार और पर वो पार किया और काफी चलो काफी जी गेंद पेट में डाल की गेंद तो अंपायर ने नकारा तो एक रन तो लग बॉल का एक रन लिया मिस्टर अंकुश ने तो ओवर में अगली बार मिस्टर संदीप अब मिस्टर पवन तैयार अपने टीम के लिए एक चौका लगा चुके हैं और इस बार पता नहीं क्या कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और काफी छोटा रन लेके इस बार अंपायर को पार किया काफी अच्छी गेंद कोई जा सकती है तो समझ नहीं पाए मिस्टर पवन तो काफी अच्छी गेंद कड़ी जा सकती है और काफी तक फाइट ओवर कर रहे हैं अभी भी है मिस्टर संदीप ओवर में अगली बार काफी अच्छी गेंद और भेज दिया है लोगों के क्षेत्र में छह रन के लिए बाउंड्री लाइन के काफी बाहर तो मिस्टर पवन के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का टीम स्कोर पे आता था 92 रन लगभग 5 विकेट और काफी सी गेंद कही जा सकती है मिस्टर संदीप के द्वारा तो ओवर में अगली बार मिस्टर पवन तैयार मिस्टर संदीप भी तैयार तो काफी छोटा रन लगेगा मगर पार किया काफी अच्छी गेंद कही जा सकती है कीपर चूके थर्ड मैन तो काफी अच्छी थर्ड मैन कही जा सकती है रन आउट और एक रन लिया तो 10 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर जा पाचा 93 रन पहला रन खाता खुलता हुआ अच्छी गेंद वही अच्छा सामान पवन के द्वारा दीपेश अंदाज में खेल दिया एक अच्छे प्लेयर की यही खासियत होती है कि किस तरह की गेंद आ रही किस तरह का सम्मान यहाँ पे दिखाना है तो निश्चित रूप से पवन ने यही सामान दिखाया है कि हाँ मैं किस तरह का बल्लेबाज हूँ अगर बोलते हैं कि ये तुक्का व छक्का मारता है तो यह जिस तरह की बल्लेबाज पवन सिंह ने इस समय डिफेंस अंदाज में कैलाश की काफी रफ्तार गेंद को डिफेंस अंदाज में खेला है इस हुनर बल्लेबाज पवन ने फिर वही गेंद अच्छी गेंद बिल्कुल स्टंप टू स्टंप खिला रहे हैं मिस्टर कैलाश और अभी भी पवन को अपना खाता खोलना शेष जबकि टीम का स्कोर खुल चुका है
तो पवन तैयार, वही कैलाश तैयार, तो कैलाश धीरे धीरे दौड़ा ब्रावन किया, अंपायर शाह को पार किया। अच्छी गेंद, पैदा की गेंद, समय नहीं पा रहे मिस्टर पवन। इस समय थोड़ा सा डूब के चले जाने से कहीं ना कहीं बैट्समैन को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल जमीन को चाहती हुई गेंद इस समय मिस्टर कैलाश फेंक रहे हैं। तो पवन तैयार, वही कैलाश तैयार, अच्छी गेंद, बड़ी जबरदस्त गेंद मिस्टर कैलाश के द्वारा। समय नहीं पा रहे मिस्टर पवन, समय ग्राउंड में दिख रही है इस समय। अच्छी गेंद, बिल्कुल डिफेंस अंदाज में खेल दिया है, स्टंप टू स्टंप इस समय खिला रहे हैं मिस्टर कैलाश पवन के लिए। अभी भी पवन का अपना खाता खोलना शेष, जबकि टीम का स्कोर अभी भी एक रन, वो भी व्हाइट के रूप में दिशा से भटकते हुए। पहली गेंद जो कि कैलाश ने फेंकी थी, और बाकी गेंद लगातार स्टंप टू स्टंप खिला रहे हैं मिस्टर कैलाश पवन के लिए। तो अच्छा शॉट वहां पर पवन के द्वारा, खेल दे इस गेंद को, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के तरफ, दो रन पूरे किए, तीसरे के भाग रहे, साथ ही सभी पर रनर का खतरा हो सकता है वहां पे। लेकिन मोहित काफी लंबे चौड़े कटके हैं, लेकिन और अंपायर का शॉट थ्री रन। तो ओवर की समाप्ति पे, तो पहला ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर अभी भी चार रन लॉस है, जीरो विकेट। तो इस समय पवन ने अपना खाता खोला, पुराने स्टाइल में बिल्कुल तैयार, वही संजय छोटे कटके जरूर है, लंबा सा रन अप उनका, तो धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार करते हुए। अच्छा शॉट वहां पे, मेरे साथ इसको बता रहे लगता है 95 मीटर का छक्का। तो शुरू होता है पवन का बल्ला, तो मैं कह रहा था कि ये बैट्समैन इस ऐसा बैट्समैन है कि जो लंबे लंबे लगातार गेंद में लगातार छक्के मारने की क्षमता रखता है। पवनार में देखा था मैंने, तो निश्चित रूप से पवन का बल्ला खुल चुका है। तो लंबे से छक्का पवन के द्वारा, इस छक्के से, छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ 10 रन लॉस और जीरो विकेट। जबकि दूसरा बॉल किया जा रहा है मिस्टर, तो धीरे दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार करते हुए हल्की गेंद, गेंद 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 जारी सीमा लेकर बाहर, छोटे से हिनार हमारे लेमन जोन का हो हाथ लहराते हुए ये पेट्रोल शिक्षार। तो लगातार दो गेंद और छक्के, फेंको फेंको, तो इस दूसरे छक्के के मदद से अपना व्यक्तिगत 15 रन पर खेल रहे मिस्टर पवन। और जबकि दो छक्के लगातार मार चुके, मैं कह रहा था कि लगातार गेंद में लगातार छक्के मारने की क्षमता रखता है पवनार ने, लगातार 5 छक्के मारे थे पवन ने, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ना होगा आज पवन को। तो यहाँ पर जबरदस्त गेंद, थोड़ी सी उछाल भरी हुई गेंद, कैसे खतरा हो सकता था, लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर। तो पवन की बात करें तो जबरदस्त इस समय खेल रहे पवन, जानते हैं कि थोड़ा सा इस समय तो पवन तैयार, वही गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद, बिल्कुल उछाल भरी हुई गेंद, पवन उड़ाना चाहते थे इस गेंद को लेकिन समझ नहीं पाए। तो इस समय थोड़ा सा रन रेट में उछलता हुआ रनों को, तो अच्छी वापसी यहाँ पे मिस्टर संजय, थोड़ी सी वापसी करते हुए मिस्टर संजय, जानते हैं कि किस तरह की बल्लेबाज यहाँ पर पवन कर रहे हैं। तो अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद जरूर थी, लेकिन अंपायर का सारा व्हाइट इस वाइट के साथ अभी भी टीम का स्कोर अटका हुआ है 16 रन लॉस जीरो विकेट। तो अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद, ये अंपायर का सारा रिजान है, बाकी है पेट्रोल शिक्षार। तो ये इस ओवर में तीसरा छक्का लगता हुआ पवन का बल्ले से, तो अभी भी टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ 23 लॉस जीरो विकेट। जबकि दूसरा ओवर बॉल किया जा रहा है, धीरे धीरे दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फील्डर गेंद के नीचे देखना होगा, और यह पैट्रिक चौका, अंपायर का सारा चौका, इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ 27 रन लॉस जीरो विकेट और 2 ओवर की समाप्ति पे। तो मेरे साथ इस पर समय बताएंगे कि इस ओवर में कितना रन और कितने छक्के पड़े हैं। 3 छक्के और 1 चौका, और 1 वाइड के रूप में, यानी कि 23 23 रन
और पहले ओवर में कैलाश ने मात्र 4 रन खर्च किए थे, तो थोड़ा सा महंगा साबित हुआ उस समय गेंदबाज। तो अभी तैयार अच्छा सा उनका एक्शन, और जानते हैं कि किस बल्लेबाज यहां पर मोहित करते हैं, ये तो आने वाले समय बताएगा। मोहित तैयार उनके सामने पहली बार कैलाश अंपायर को पार किया और गेंद वही गेंद सर लागी गेंद और रन आउट का खतरा भी हो सकता था लेकिन नहीं, और एक रन से संतुष्ट होने बल्लेबाज। तो अच्छी रनिंग यहाँ पे दोनों बल्लेबाज पवन और मोहित, कहीं ना कहीं पवन का विकेट लेना बहुत जरूरी है। तो पवन तैयार, वही कैलाश की अच्छी गेंद लगातार अच्छी गेंद फेंक रहे मिस्टर कैलाश, अच्छी गेंद क्लीन बोर्ड, मैं कह रहा था कि लगातार अच्छी गेंद फेंक रहे हैं और बिल्कुल क्लीन बोर्ड कर दिया इस गेंद को, चिबिल को चाहती हुई गेंद, जरूरी समय पवन समय नहीं पाए इस गेंद को। तो पहला छक्का राहों को लगता हुआ अंपायर को पार किया, उछाल भरी हुई गेंद खेल स्लिप की दिशा में एक रन के लिए दूसरा क्लेम भाग, दूसरा भी शायद पूरा हो जाएगा। तो अंपायर का सारे 35 सिक्सर, चौका सॉरी 35 चौका मिस्टर संदीप के बल्ले से, इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 901 विकेट, जब कुछ तीसरा बोल किया जा रहा केला के द्वारा, और संदीप का पहली गेंद अपना खाता खोला और चौका के रूप में स्लिप की दिशा में जरूर खेला था डिफेंस अंदाज में, लेकिन ये बेहतरीन चौका। तो तैयार रही कैलाश की बात कर रहे जबरदस्त गेंद कैलाश के द्वारा अभी भी फेंकी लगातार अच्छी गेंद, पटकी भी गेंद जरूर थी, काफी तेज गति गेंद यहाँ पर मिस्टर कैलाश फेंक रहे हैं, बल्लेबाज को खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं। मिस्टर कैलाश धीरे दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अच्छा सा यहाँ पे संदीप के द्वारा कह दे सकता था लेकिन, और एक रन से संतुष्ट होने बल्लेबाज। तो एक रन से संतुष्ट होने बल्लेबाज तैयार, फिर दौड़ा पर अंपायर को पार किया, पक्की हुई गेंद जरूर थी लेकिन सम्मान गेंद को दे दिया मिस्टर मोहित ने, और 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ है 33 रन, और आगे का आपका हाल मेरे छोटा सा भाई दिव्यांशु आपको बताएंगे। संदीप ने तो लोगों के क्षेत्र में भेजा गेंद को, फील्डर की मौजूदगी में एक रन लिया, तो सब छोड़ गए हैं मिस्टर मोहित, तो अभी अपना खाता खोलना भी जवाबदार मिस्टर, और काफी डिपेंडिंग अंदाज में खेला और आगोग में सारा किया, एक रन लिया तो मिस्टर संदीप किया और पटका हुआ सम्मान दिया गेंद और एक ही रन लिया, तो इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जो पहुंचा 36 रन है, लॉस ऑफ 1 विकेट है, जबकि 14 ओवर बोल किया जा रहा है मिस्टर अंकुश के द्वारा, तो सब छोड़ पाए हैं मिस्टर मोहित, और तो काफी अनुभवी अंपायर हमारे मिस्टर रोहित शाह और मिस्टर विजय शाह, और हल्का के कदमों से अंपायर को पार किया मिस्टर अंकुश ने, और काफी डिपेंडिंग अंदाज में खेला मिस्टर मोहित ने। तो अगर मिस्टर मोहित मैं अगर आपको बात करूँ तो अगर अभी इस मैच को भी जोड़ी में बैठा रहा तो इसे डिपेंड नहीं होने वाला, आपको छक्के लगाने पड़ेंगे, तो इस बार मिस्टर अंकुश तो काफी लंबा रन लग रहे इस बार छुटकर के कदम से बार को पार किया मिस्टर, और काफी पटकी हुई गेंद पार किया और पटकी हुई गेंद और पटका हुआ सम्मान भेज दिया गेंद को, आंटी का हटना भी नहीं बता, तीन बार एक आगे पार और 6 रन के लिए, तो 4 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 42 रन है, लॉस ऑफ 1 विकेट है। अब तो 5वां ओवर लेके आए हैं मिस्टर देवेंद्र, तो मिस्टर संदीप तैयार हर बल के कदमों से अंदर को पार किया और टॉस गेंद और लोगों के क्षेत्र में भेजा है गेंद को, फील्डर मौजूद तो एक ही रन के द्वारा और अंदर को पार किया, डबल करियो डबल डबल क्षेत्र में
सागर तो रही होगा पृथ्वी की गेंद कही जा सकती है और ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर क्या पहुंचा 45 रन लॉस ऑफ 2 विकेट पार किया और डबल और कॉम्बैक होने से और काफी अच्छी संदीप को और ओवर में अगली बार मिस्टर अंकुश और मिस्टर संदीप तैयार और मिस्टर अंकुश तैयार ओवर को पार किया फुलटॉस गेंद और मैडन के क्षेत्र में भेजा गेंद को और कैच आउट और मिस्टर संदीप के रूप में लगने वाला रॉयल की टीम को तीसरा झटका और हलचल के कदम से साजी अंबर को पार किया और फुलटॉस गेंद लोवर फुलटॉस बनाया गेंद को भेजा गेंद को मैदान के क्षेत्र में फील्डर मौजूद एक ही रन लिया एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा मिस्टर मोहित को राइट हैंड बल्लेबाज गार्डर ले रहे हैं अंपायर का और अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं मिस्टर अजय और ओवर में अगली बार मिस्टर अंकुश काफी लंबा रन अपने ख्याल के कदमों से अंदर को पार किया फुलटॉस गेंद और आते ही स्वागत किया मिस्टर अंकुश का 6 रन की मदद से तो काफी लंबा छक्का कहा जा सकता है इस पिच में अचानक धावा से कई ऊपर तो मिस्टर अजय काफी आगे नक्सली को बल्लेबाज बल्लेबाज तो धन्यवाद मिस्टर मोहित का आपने लैंडमैन की भूमिका निभाई उधर अगली बार मिस्टर अंकुश अंदर को पार के काफी रख गेंद और काफी सौ लगाए मैडन के क्षेत्र में चल 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 डबल डबल और अभी भी बस सारा नहीं रुक जा के कारण और दो ही रन से संतोष होना पड़ेगा पार गया मिस्टर अदाकर काफी दूर गेंद भेज गया गेंद को मैदान के क्षेत्र में और 4 रन तो काफी अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है जिसमें रहते पांच सौ पुरस्कार रखा हुआ था रनर का खतरा हो सकता था रहते हैं अजय के लिए लेकिन समय बच चुके हैं अजय एक अवार्ड और एक पाए के रूप में टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ है 63 रन जबकि 6 ओवर बॉल किया जा रहा है देवेंद्र के द्वारा तो ये कड़ा मुकाबला चलता है इस समय 84 और रनों के बीच और जब तक इस ग्राउंड में आ जाए है तब तक यहाँ पर 6 और 4 की बारिश 7 ओवर बॉल किया जा रहा है देवेंद्र के द्वारा तो अजय तैयार है देवेंद्र तैयार अच्छा सर अब कैसे खतरा हो सकता था लेकिन मिस कर बैठे फील्डर अच्छी तैयार वही अजय तैयार अच्छी गेंद हल्का सा रन अब हल्की गेंद इस समय फेंक रहा अजय के लिए है तो अजय तैयार अजय ने सबसे लंबा छक्का इस ग्राउंड का पहला छक्का यहां पे इस समय अजय के द्वारा तेरे ने तैयार अंपायर को पार किया पटकी हुई गेंद इस गेंद को खेल दिया है देवेंद्र के द्वारा तो अजय का कुछ कारनामा करना होगा छक्के और चौके की बारिश यहाँ पे करना होगा अगर ये मैच जीतना हो तो अजय तैयार वही देवेंद्र तैयार अच्छा सा पांच सौ रुपए का पुरस्कार
वहां पर रखा हुआ था, उसके लिए लंबा सा छक्का पौडर ने मारा था अजय ने, तो थोड़ा इस समय अच्छी वापसी फील्डर के बोरस के द्वारा देवेंद्र, तो देवेंद्र और उनके सामने आ जाए जो कि लंबे चौके और चौके छक्का की बारिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो देवेंद्र तैयार, धीरे धीरे दौड़ा रहा है, अंपायर को पार किया, पटकी में गेंद, ये लोग दबाव अंपायर का सारा आने बैठ गए, बेहतरीन चौका, लाजवाब चौका, इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता टूटता भागता दौड़ता 75 रन, 3 विकेट, 7 ओवर की समाप्ति पे लाजवाब अजय के द्वारा। मैं कह रहा था कि कितना बॉल का रन, 18 बॉल है, चतुर गई ना, 18 बॉल 19 है, 18 19, तो मात्र 18 गेंद 19 रन की आवश्यकता यहाँ पे, 18 गेंद 19 रन की आवश्यकता अजय का साथ। बढ़िया राउंड है, बढ़िया देख के खेलना राउंड है, मेरे तो अजय का साथ हो जाएगा, इस समय जानते हैं कि अजय बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है इस समय। तो वही कैलाश की बात करें तो जबरदस्त गेंद कैलाश के द्वारा, अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छा सा गेंद कैलाश के द्वारा, तोते का तीसरा तारीख और अंपायर का सारा वेट, और अंपायर का सारा वेट, और अंपायर का निर्णय सारा मान्य होगा, तो निश्चित रूप से अंपायर का सारा वेट। तो मेरे तो और तैयार उनके सामने पहली बार कैलाश लेकिन कोई छक्का नहीं, कोई चौका नहीं, जबरदस्त गेंद कैलाश के द्वारा, अच्छी गेंद और एक रन चला दिए दोनों बल्लेबाज, एक रन का और अंपायर का सारा वेट, इस दो रन के साथ अभी भी टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन, 3 विकेट। मेरे साथ साथी इसको बताइए कितने गेंद और कितने रन की आवश्यकता है, 17 गेंद और 15 रन की आवश्यकता मात्र, 17 गेंद और 15 रन की आवश्यकता, अच्छा सामान, अच्छा सा डिफेंड, बस अच्छा सा कट होता है, महत्व बिल्कुल भरपूर साथ निभा रहे हैं, मुझे आ जाएगा तो अंपायर का सारा एक रन, बैट कर रहे, तो 80 रन हो चुके हैं, मात्र 4 रन की आवश्यकता है यहाँ पे, अगर ये मैच राय को जीता है तो 77 अच्छी गेंद है कैलाश के द्वारा, 84 से अच्छी गेंद है फेंक रहे अनुसार कैलाश कैलाश के सामने आ जाए, अच्छा सम्मान बेहतरीन सिक्सर, अजय के बल्ले को निकल रहे बेहतरीन सिक्सर, अंपायर के हाथ हवा में लहराते हुए, तो मात्र जीत के लिए चाहिए अब 8 रन, तो इस समय इस ओवर में थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए कैलाश, तो मात्र 8 रन जीत के लिए चाहिए, क्यों अगर राउंड में मैच जीत रहे तक वही कैलाश तैयार, छोटा सा बच्चा ये बेहतरीन किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग फील्ड के द्वारा, पवन जो कि थर्ड मैन के रूप में जबरदस्त इस समय फील्ड के द्वारा अपना व्यक्तिगत स्कोर 34 पे खेल रहे मिस्टर कैलाश, मिस्टर अजय बेहतरीन, अभी भी अंपायर का सारा आना बाकी, ओवर की समाप्ति पे तो मात्र 2 रन जीत के लिए चाहिए अपने व्यक्त का स्कोर 36 में खेले मिस्टर अजय, बॉल 2 रन, और यहाँ पर मेहनत की बात करें तो भरपूर साथ निभा रहे हैं अजय का, जानते हैं कि अजय इस समय अच्छे ओवर में दिख रहे हैं, पापा हैं नए गेंदबाज के रूप में, अब देख रहे हैं किस तरह बॉल 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 के साथ मेहित प्रवीण तैयार, अच्छा सम्मान, जानते हैं समय मेहित की कोई जल्दबाज करने की जरूरत नहीं है, मात्र 11 गेंद में 2 रन की आवश्यकता, तो रहूं की टीम काफी खुश होते हुए क्यों ना हो, तो प्रवीण हल्की गेंद फेंक रहे हैं मोहित के लिए, अच्छा सर वहां पर मोहित के द्वारा यह बेहतरीन
ए भाग रहे कंप्लीट कर। एक रन से संतोष उठाने बल्लेबाज। और साथ ये मैच जीत लीजिए पारी खत्म पूरा हो चुका है। और आ जाए अगर मेरी आवाज आ जाए तो कृपया आप पेमेंट पे समाने का कष्ट करेंगे और आपको 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा जो कि अपने व्यक्तिगत स्कोर मेरे साथी इसके लिए बताएंगे। 36 पे खेला है और मैन ऑफ द मैच और मेरे तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार अजय के लिए। कृपया आप कॉमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। मैन ऑफ द मैच उनको रखा गया है और अजय धीरे धीरे हमारी कॉमेंट्री बॉक्स में आते हुए बढ़िया लौंडे और ये सचिन भाई के पिछले मैच में 7 विकेट लिए थे उसका पुरस्कार मैन ऑफ द और ये अजय भाई आज के मैन ऑफ द मैच। चलो हो चीयर का नारे तुम तो हो धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेशन धन्यवाद मोहित सर